माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जी का नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बहुत काम आएगी माता रानी के भवन में चढ़ाई करते वक्त, और साथ ही साथ RFID कार्ड और माता रानी के दिव्य अटका आरती के बारे में मैं आपको देने वाली हूँ विस्तृत जानकारी, और यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का रखना है विशेष ध्यान, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं कटरा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ कटरा माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया एंड कई लोगों ने मुझसे पूछा है नए मार्ग के बारे में जो कि है ताराकोट मार्ग। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैंने कवर किया था पुराना वाला मार्ग, इस बार मैं आपको ताराकोट मार्ग के बारे में सारी विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं होटल अंबिका, मैं पहुंची हूँ यहाँ ट्रेन से, और अब जल्दी से हमने नहाना धोना हो चुका है, चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम जब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाएंगे तो मैं विस्तृत जानकारी आपको बताऊंगी। एंड दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट ईयर का जो वीडियो था बहुत पसंद किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आई होप ये वाला वीडियो भी आप पसंद करेंगे, एंड प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और चलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और हम जल्दी से जा रहे हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो कि है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, और आप देख सकते हैं कटरा मार्केट का नज़ारा। तो जैसे भी आप वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपको यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एंड दैट इज मैंडेटरी। पहले ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, बट अब ऑनलाइन तो वो तो करवाना है, बट उसके साथ साथ अब क्राउड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको ले जाते हैं RFID कार्ड, और ये आप ले सकते हैं रेलवे स्टेशन से, इवन आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी ले सकते हैं, और उसके बाद जैसी आपकी यात्रा पूरी हो जाती है तो आपको ये कार्ड जमा भी कराने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नए मार्ग से, इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया हम जा रहे हैं ताराकोट मार्ग, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं बस स्टैंड से, हम लोगों ने RFID कार्ड अपना ले चुका है, अब हम यहाँ से जहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है वहाँ तक जाएंगे ऑटो से। ऑटो का जो फेयर है वो मैं आपको बताती हूँ, उसका फेयर हम देने वाले हैं 210 रुपीज, और यहाँ से उसकी जो दूरी है बस स्टैंड से जो दूरी है वो है मात्र 4.5 किलोमीटर। तो गाइस चलते हैं पैदल यात्रा के प्रारंभ करते हैं, अभी तो हम जस्ट ऑटो में बैठे हैं। जय माता दी दोस्तों, ताराकोट मार्ग से आ रहा है जा रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ये मार्ग आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं हर चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। यही है वो नया रास्ता जिसके हम बात कर रहे थे, तो अब हम इसी रास्ते से अपने चढ़ाई की शुरुआत करेंगे माता देवी के मंदिर के जाने के लिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। बोल संचे दरबार।
तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं ताराकोट मार्ग। इस मार्ग का उद्घाटन श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में शुरू किया था। एंड ये इस मार्ग की अगर मैं बात करूं तो इस मार्ग में अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो ये मार्ग बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पुराने मार्ग से आए बिकॉज यहाँ पर आपको घोड़े पालकी पिट्ठू बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये बेसिकली पैदल यात्रियों के लिए ही रास्ता बनाया गया है और इसकी जो दूरी है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो है 7 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके और अर्धकुंवारी तक की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है। इवन अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक जिसकी दूरी है 6 किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा रास्ता है, बट स्टीप मतलब यहाँ पे चढ़ाई कम होने के कारण ये रास्ता काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो इस रास्ते का ज़रूर से उपयोग करें, तो आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छा मिलेगा। मतलब इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, हरियाली आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ से भरपूर हरियाली है, बहुत ही रास्ता साफ है। तो चलिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ मैं दोस्तों कि यहाँ पे जगह जगह पे ना लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट बने हुए हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इस रास्ते का उपयोग साइन बोर्ड भी करता है, उनका जो भी सामान ले जाना लाना होता है यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है। मैं यहाँ पे सिर्फ वही गाड़ी चलती है जो श्राइन बोर्ड की है सामान लाने और ले जाने के लिए। आप आ रहे हैं यात्रा के लिए तो आप ये इस तरह की एक लाठी जरूर से ले लीजिएगा एंड इससे ना आपकी यात्रा इजी हो जाती है। एंड इस लाठी का जो रेंट है वो है ओनली 20 रुपीज़। ये आप स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको मिलेगी, बीच में कहीं नहीं मिलेगी, तो मेक श्योर आप ये लाठी ले लीजिए। यात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि आपको यहाँ पे मिलता रहे ठंडा गर्म और नॉर्मल वाटर, जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो यात्रा के दौरान। ठंडा पानी एकदम मस्त। वन मोर थिंग कि जब भी आप यात्रा पे जा रहे हैं तो एक बैग बिल्कुल मत लीजिए, दो बैग लीजिएगा ताकि सबका सामान जो भी है डिवाइड हो जाए, अदरवाइज ना देखिए अलग अलग बैग रखिए। हाँ, अदरवाइज एक बैग में बहुत सामान हो जाता है, तो मेक श्योर दो बैग रखे। जय माता दी दोस्तों। नए ताराकोट मार्ग में खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट होने वाला है मैकडॉनल्ड्स। ताराकोट मार्ग वैसे ही काफ़ी सुंदर और एकदम खुला हुआ एकदम नया रास्ता है। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ही सुंदर गार्डन बनाए गए हैं, जिसके लिए सच में तारीफ करनी चाहिए श्राइन बोर्ड की, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाता है तो आप देखेंगे यहाँ की प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर व्यू आता है, तो यहाँ पर थोड़ा देर रुक के व्यू का आनंद पक्के से आप लीजिएगा। रस्ते में आप कुछ खाते पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। इस मार्ग में आपको खाने पीने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है ये गाने वाला, वैसे ही बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आके भी मैंने देखे, यहाँ पे इनके पास ना खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। इवन आपको स्नैक्स तो मिलेंगे ही सही, उसके साथ आपको मील भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर ना स्वीट्स की भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। और यहाँ पे बैठ के आप आनंद ले सकते हैं इस व्यू का, यहाँ से आप देखिए पूरा कटरा नीचे से दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसे मिस मत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। खाते पीते रहिए रास्ते में तो रास्ता वैसे ही बहुत अच्छे से निकल जाता है। जगह जगह पे श्राइन बोर्ड ने डस्टबिन रखे हुए हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप जो भी चीज़ खाएँ कचरा डस्टबिन में ही डालें। ऑल दो ताराकोट मार्ग बहुत ही नीट एंड क्लीन है, फिर भी यहाँ 24 घंटे आपको इसी तरह से सफाई करते हुए कर्मचारी दिखेंगे। श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर प्लास्टिक वाटर बॉटल रिसाइकलर भी अवेलेबल है, तो यात्रियों से मेरा ये नर्म निवेदन है कि अपने प्लास्टिक वाटर बॉटल इस रिसाइकलर या डस्टबिन में ही डालें। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं ताराकोट। हमने 2.75 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा लंगर की सुविधा उपलब्ध की गई है जो कि 24/7 है और उसके पास में गार्डन है, आप लंगर की सेवा ले सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। अब अर्धकुंवारी तक पहुँचने के लिए हमें 4.25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं लंगर के अंदर और लेते हैं लंगर का स्वाद। नए ताराकोट मार्ग में जो लंगर है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और हाइजीन के लिए इसे FSSI द्वारा एक्सलेंट रेटिंग दी गई है। उसमें दाल, चावल और चटनी थी।
कभी भी आप किसी भी लंगर में जाएं तो खाना बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। देखिए हमने पूरा खाना ख़त्म किया, तो इसी तरह उतना ही खाना लें जितना कि आपको भूख है, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे जगह जगह पे आपको मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यात्रीगण माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं को उनकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। चुके हैं अर्धकुंवारी में, और अर्धकुंवारी में आते ही जो नया रास्ता है और पुराना रास्ता दोनों मिल जाते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, ये अर्धकुंवारी जाने का रास्ता है। अगर आपको अर्धकुंवारी में आकर दर्शन करने हैं तो आप यहां पे आके अपना नंबर लगवा लीजिए और भवन में जाइए। दर्शन करने के बाद देखिए, अगर आप लकी हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले अर्धकुंवारी में दर्शन करें उसके बाद भवन दर्शन करें, तो इसमें आपको दो दिन भी लग सकते हैं। तो पहले यहां पे आप अपना नंबर लगवाइए, जाइए भवन में दर्शन करने, उसके बाद आइए और यहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं भवन में दर्शन करने के लिए। दोस्तों अर्धकुंवारी में गर्भजून के लिए आपको पर्ची लेनी होती है, जिसमें आपको एक ग्रुप नंबर दिया जाता है। गर्भजून के लिए एंट्री इस ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो आप अपना ग्रुप नंबर पर्ची काउंटर नंबर 2 से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं भवन की ओर। यात्रियों के विश्राम के लिए जगह जगह पर बेंचेस भी लगाई गई हैं, जहाँ पे आप विश्राम करने के साथ साथ आनंद ले सकते हैं चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक का। एंड इनकी जो प्राइजेस है वो भी काफी रीजनेबल है। चलते चलते काफी टाइम हो चुका है और हमें अभी मिला है ये कोल्ड कॉफी एंड कोल्ड चॉकलेट। एंड कंपेयर अगर दोनों का किया जाए तो मुझे बेटर लगा, कोल्ड कॉफी इज वेरी नाइस, सो यू कैन ट्राई वो। यात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के द्वारा करा सकते हैं, जिसका की प्राइस है 236 रुपीज़ वन साइड। यहां पे पूरे रास्ते में आप देखेंगे पूरे शेड लगे हुए हैं, तो जिस तरह से आप किसी भी मौसम में आते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो, स्नोफॉल हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो आपकी जो यात्रा है बहुत ही सुखद यहां पे हो जाएगी। हिमकोटी में एटीएम की सुविधा तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे है एक डिस्पेंसरी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ से भवन की पहली झलकी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। माता का भवन जब आपको पहली बार दिखता है ना यहाँ से, तो सच में बहुत ही सुंदर लगता है। लगता है अब तो आपकी जो यात्रा है ना वो बस हो ही गई है। जय माता दी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं भवन, तो हमें यहाँ पे आने में लगे हैं 4:30 घंटे। 12 बजे से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी बज चुके हैं 4:30। और आप देख सकते हैं माता का भवन बीच त्रिकुटा पर्वत की श्रृंखला में बसा हुआ है। ये 3 पर्वतों की श्रृंखला है, उसके बीचों बीच माता का भवन बसा है। और हमने आज, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आज हमने अटका आरती बुक की है, जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप भी बुक कर सकते हैं, जिसका कि हमने पे किया है 2000 पर पर्सन। और इसके लिए एक टाइम है, आपको 6 बजे तक रिपोर्टिंग टाइमिंग है, तो वहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं 4:30 घंटे में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देना चाहती हूँ कि ताराकोट मार्ग बहुत ही नीट एंड क्लीन मार्ग है, बहुत अच्छा है। बीच बीच में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत तो नहीं है बट जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी चीज़ें अभी वहाँ पे खुलना शुरू हुई हैं, तो आप इस रास्ते का उपयोग ज़रूर कीजिए अगर आप पैदल आ रहे हैं। अगर आप पैदल नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरे रास्ते से आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अटका आरती में और करते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप रोप वे के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे, तो 4:00 बजे तक ही आपको यहाँ टिकट मिलेगी। जैसा कि हमसे वो मिस हो चुकी है, हम यहाँ पे पहुँचे हैं 4:30 बजे। तो अब हम जाएंगे पैदल ही भैरव जी की
यात्रा के लिए और दर्शन के लिए। तो मेक श्योर जब भी आप आ रहे हैं तो 4 बजे तक आप आ जाइए यहाँ पे, सो दैट यू विल गेट द टिकट। दिन में तो ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट शाम होते होते यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है। तो मेक श्योर आप अपने साथ अपने गर्म कपड़े पक्के से लेके आइए, और क्योंकि यहाँ का रात को टेम्परेचर तो आपको पता ही है काफ़ी डाउन हो जाता है। तो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर भवन में और करते हैं माता के दर्शन। दोस्तों शाम की अटका आरती का जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो है 6 बजे का, बट यहाँ पे एंट्री फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही दी जाती है। सो आई सजेस्ट अगर आप भवन पे जल्दी पहुँच गए हैं तो आप कालिका भवन पर जाकर अपना सीक्वेंस नंबर ले लीजिए, क्योंकि अंदर एंट्री जो होगी वो सीक्वेंस नंबर बेस पे ही दी जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी अटका आरती हो चुकी है। इसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अटका आरती के लिए बुक करना होगा। वैसे आप यहाँ पे आके भी बुकिंग कर सकते हैं, बट अगर उनके पास स्लॉट होगा तभी वो आपको दे पाएंगे। तो इट्स माय सजेशन कि आप इसे ऑनलाइन ही बुक करवा लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा गेट नंबर 8 पे, जो कि कालिका भवन पर है। तो यहाँ पर आके आप अपने रिसिप्ट लेंगे, उसके बाद आपको रूम नंबर 4 पर जाके अपना सीरियल नंबर आपको मिलेगा, एंड वहां से जाके आपको एक लॉकर की चाबी मिलेगी जहां पे आप अपने वैल्यूएबल थिंग्स रख सकते हैं। इवन आपके लेदर बेल्ट्स है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच इज़ आल्सो नॉट अलाउड, तो वो आप सब अब वहां पे रख दीजिए। उसके बाद आपको गेट नंबर 2 से एंट्री मिलेगी, जहां पे आपको ये सब मिलने वाला है, मतलब बुक मिलेगी और ये वटका मिलेगा और आपको ये पंचमेवा प्रसाद मिलेगा। ये आरती का रिपोर्टिंग टाइम जो है शाम की वो 6 बजे है। ये आरती जो स्टार्ट हुई है 6:30 बजे से स्टार्ट हुई है, तो इस आरती में लगभग आपको 2 घंटे लगेंगे। बट ये जो सुखद अनुभव मैंने आज इस आरती में आके मतलब फील किया वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आपको इन फ्यूचर कभी भी जब आप आ रहे हैं माता वैष्णो देवी और आपको ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ गाइज पक्के से अटका आरती में आइएगा, बिकॉज आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एज आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैंने ये आरती अटेंड की। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे बन रहा है दुर्गा भवन, आई थिंक वो 1 साल के अंदर रेडी हो जाएगा, जहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए कि आप रात को यहाँ रुक सकते हैं, दिन में भी रुक सकते हैं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, जिससे आने वाले समय में मतलब अभी इसको कह रहे हैं कि 1 साल पूरा लगेगा, तो आने वाले समय में यात्रियों को काफ़ी सुविधा होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दुर्गा भवन। जम्मू कश्मीर में दूसरे स्टेट का सिम काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जगह जगह पर एसटीडी बूथ हैं, जहाँ पे आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दर्शन करने के बाद सागर रतन रेस्टोरेंट में, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है और यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमने लिया है रवा डोसा, जो कि काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए खाना खाते हैं, हम बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। गर्मा गर्म है, ठंड में मज़ा कुछ और ही है, गर्म गर्म डोसा। चटनी काफ़ी फ्रेश लग रही है, सांभर का टेस्ट भी अल्टीमेट है, बहुत अच्छा है। तो फटाफट से मैं फिनिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमने लिया है ये कढ़ाई पनीर और इसके साथ में तंदूरी रोटी, अब ये भी आपको टेस्ट करके बताते हैं। इस रेस्टोरेंट का खाना वैसे हमेशा ही अच्छा होता है। सब्जी भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे रवा डोसा ना ज़्यादा अच्छा लगा है, इतनी ठंड थी और खाना खाने के बाद हमें लगा कि चलो कुछ मीठा खाया जाए। तो इसके बाद हमने ट्राई किया दिल्ली के जो मशहूर है नाथम स्वीट्स का गाजर का हलवा, जो कि सच में बहुत ही टेम्पटिंग तो लग ही रहा था, बट उसके साथ साथ ही बहुत ही टेस्टी भी था। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए दर्शन के लिए, और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ मैं, बहुत ठंड हो चुकी है और भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो मात्र 2.5 किलोमीटर है, बट खड़ी चढ़ाई होने के कारण ना बहुत टाइम लगता है और बहुत ही कठिन है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, अभी रात के बज चुके हैं 10:15 और ठंड तो वैसे ही हो रही है, तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा की यात्रा के लिए। दर्शन के बाद या फिर तो चलिए हम तो चलते हैं, चलिए हमारे साथ।
भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए ना ये जो रास्ता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सकड़ा है और इवन शुरू हो चुकी थी बारिश, तो बारिश और घोड़ों के कारण चढ़ाई करने में काफी मुश्किलें हो रही थी उस टाइम पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं और बारिश आ चुकी है और बहुत तेज तो नहीं लेकिन हल्की भी नहीं है, बारिश हो रही है काफ़ी और ठंड भी बढ़ती जा रही है पर चलते चलते ना गर्मी का एहसास हो रहा है। भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट पास में ही आप खरीद सकते हैं प्रसाद और यहाँ पे खाने पीने के थोड़े बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत यू नो स्नैक्स ले सकते हैं। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में और हमें 2.5 किलोमीटर की ये चढ़ाई थी, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और हमें लगा है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 45 मिनट, जहाँ पे हमने रास्ते में बिल्कुल नहीं रुके हैं। और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, इन डंडों ने सच में बहुत साथ दिया, तो मेक श्योर चाहे बच्चे बूढ़े और जवान तो लाठी पक्के से आप लीजिएगा तो बहुत आपको यात्रा कंफर्टेबल हो जाएगी, आपको ईज रहेगा। तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर में और करते हैं दर्शन। भैरव घाटी से आपको दिन में बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है बट यहाँ रात को भी जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, चाहे आप चांद की बात कीजिए और उसके बाद जो दृश्य था जो माता रानी का भवन दिख रहा था रात को एकदम चमचमाता कोहिनूर की तरह बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इस तरह का व्यू का भी आप पक्के से आनंद उठाइएगा। देखिए अभी रात को भी माता का भवन कितना अच्छा लग रहा है, मतलब रोशनी बहुत अच्छी आई है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी आप सभी भक्तों की इच्छा जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करे, मेरी यही विनती है माता रानी को। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। भैरव बाबा की संक्षिप्त में अगर आपको मैं कहानी बताऊं तो कहा जाता है कि माता रानी और भैरव बाबा के बीच बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और आखिर में माता रानी ने भैरव बाबा का सर धड़ से अलग कर दिया और वो सर आके गिरा इस जगह पे और तभी से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और जब सर धड़ से अलग हो गया तो भैरव बाबा ने माता रानी से क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांगने के बाद माता रानी ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो कोई भी मेरे मंदिर आएगा मेरे पिंडियों के दर्शन करने वो तुम्हारे दर्शन के बिना अगर वापस जाएगा तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो गाइस मैं आपसे आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आएँ तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य कर लें। अभी आप देख सकते हैं बारिश हुई थी काफ़ी, अभी रुक चुकी है और यहाँ पर बहुत पानी था, मतलब अब पानी इकट्ठा हो चुका है लेकिन ठंड भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। शेरा वालिदा बोले साचे दरबार की जय। तो फ्रेंड चलते चलते आप देखिए एक बोर्ड दिखा है हमें जिसमें लिखा है प्रसाद वितरण, जो कि किया जाता है श्राइन बोर्ड द्वारा, जहाँ पे मिलेगा हलवे का एंड छोले का प्रसाद। और ये करीबन सांझी छत से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही ये बोर्ड हमें दिखा है एंड सांझी छत पे आप देखिए आज कोई भी नहीं है क्योंकि बारिश काफ़ी थी, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों के लिए हेलीपैड सांझी छत से 700 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से जो भवन की दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर है। आप अगर चाहें तो यहाँ से घोड़े और पालकी भी कर सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है 8 बजे से 5 बजे तक एंड जो उसका प्राइजेज है वो इस तरह से है। अगर आप वन साइड बुक कराना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 1,830 रुपीज़, अगर आप दोनों साइड करवाते हैं तो उसका प्राइस है 3,660 रुपीज़। फ्रेंड्स आपको सांझी छत पे हलवे का छोले का प्रसाद मिलेगा जो कि निःशुल्क है, इसके साथ आपको यहाँ पे आप ले सकते हैं चाय जो कि काफ़ी गरम गरम चाय है। और तो यहाँ पे निःशुल्क आप आके सांझी छत पे इस हलवे का प्रसाद और छोले का आनंद उठा सकते हैं।
जय माता दी दोस्तों। तो दर अर्धकुंवारी में हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हम यहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे करीबन और अभी बज रही है 4:30। और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे 4 बजे से 7 बजे तक बिल्कुल दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि उस समय आरती का समय होता है, तो आपको यहाँ पे बाहर वेट करना पड़ेगा। ऑल दो हमने जब हम माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए जा रहे थे तभी हमने अपनी पर्ची ले ली थी जिसका कि हमारा नंबर था 240। जब हम दर्शन करके आ चुके थे तब यहाँ पर नंबर चल रहा था 250, बट हमें परमिशन मिली कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो जैसे कि आप जब भवन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अपनी पर्ची कटा ले सकते हैं और जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या टाइम, मतलब क्या यहाँ पे नंबर चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ दर्शन मिल जाएंगे। अभी दिसंबर में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ नहीं है, तो यहाँ पर दर्शन होना ईजिली हो गए और 2.5 घंटे के अंदर हमारे बहुत अच्छे से यहाँ दर्शन हो चुके हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ अर्धकुंवारी की संक्षिप्त में कहानी। माता रानी ने यहाँ पे कन्या रूप में 9 महीने तक घोर तपस्या की थी और इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है क्योंकि इस गुफा का जो स्ट्रक्चर है माता के गर्भ के समान है। 9 महीने जब माता रानी यहाँ पे घोर तपस्या कर रही थी तो कैसे करके भैरव बाबा को इस बात का पता चल गया कि माता रानी इस गुफा में है, तो पीछे पीछे वो इस गुफा तक आए और उन्होंने देखा बाहर कि हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी के लाख समझाने के बावजूद भी वो भैरव बाबा नहीं समझे और वो गुफा के अंदर जाने लगे। इस बात का जब एहसास माता रानी को हुआ तो उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और जो गुफा के दूसरी तरफ से एक त्रिशूल मार के वहाँ पे एक रास्ता उन्होंने निकाला और वो अंतर्ध्याय हो गई वहाँ से। तो इसकी संक्षिप्त कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी भी, इवन प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ बताया था इसी तरह। तो आप यहाँ पे आके भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, ऑल दो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो गुफा है वो बहुत सकड़ी है, मतलब बहुत ही सकड़ी गुफा होने के कारण कई बार लोग ये सोचते हैं हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे जो काफ़ी हेल्दी या मोटे लोग होते हैं, बट ये गुफा सकड़ी होने के बावजूद भी हर इंसान इस गुफा से ईजिली निकल जाता है और ये सच में देखने लायक गुफा है। तो आपको जब भी मौका मिले तो इस गुफा के दर्शन भी आप करिएगा। जय माता दी दोस्तों। पुराने रास्ते में अभी भी खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है सामान लाने और ले जाने के लिए। तो दोस्तों चलते चलते ना काफ़ी देर हो चुकी है और अब तो ना भूख भी लगने लगी है, तो ये रहा बीकानेर वाला और चलिए चलते इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने के लिए। हमारा आधा रास्ता पूरा हो चुका है और कुछ छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए हमने यहाँ पे बीकानेर वाले के आए हैं और हम यहाँ पे खाने वाले हैं ये छोले भटूरे जो कि काफ़ी टेम्पटिंग भी लग रहे हैं। तो चलिए खाते हैं छोले भटूरे, देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है। और इसके ऊपर यहाँ पे पनीर भी डाला गया है, अचार दिया है और ये सैलेड में हमें दी गई है यहाँ पे कुकुम्बर, काफ़ी गर्म है। बहुत गर्म है। स्वाद अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। छोले का टेस्ट अच्छा लगा मुझे, भटूरे भी साइज भी अच्छा है और इसका प्राइस है 160 रुपीस, जिसमें कि आपको 2 भटूरे छोले और यहाँ पे सैलेड मिलेगा और ये पिकल मिलेगा। यहाँ रास्ते में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर पुराने मार्ग में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं, तो आप जाते वक्त या लौटते वक्त उनके दर्शन कर सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। पुराने रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसी तरह काफ़ी रौनक लगी रहती है, ये दुकानें जो हैं वो दिन रात इसी तरह खुली रहती हैं, लोगों का आना जाना चला ही रहता है। अगर आप लौट रहे हैं यहाँ से तो आप यहाँ से ले सकते हैं प्रसाद, उसके साथ साथ आप सुविनर्स ले सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे ना बहुत ही इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, तो दिन हो या रात हो कभी कोई टेंशन नहीं, आप आराम से यहाँ से आ जा सकते हैं किसी भी टाइम में। यहाँ पे जैसे ही आप बाणगंगा की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे फुट मसाज सेंटर हैं, तो यहाँ पे जिनका प्राइस है 50 रुपीज़, तो आप यहाँ पे आके आराम से अपना फुट मसाज करवाइए ताकि आपको ना जितनी भी आपकी थकान होगी सच में वो कम हो जाती है। पुराने रास्ते में आपको यात्रा सिम भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा सिम आपको मिल जाएगी जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं और यहाँ से ख़रीद सकते हैं।
यहाँ पे आपको प्रैम भी मिल जाएंगे रेंट पे, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं इसमें। इवन कई लोग सामान भी लेके जाते हैं तो आप ये रेंट पे ले सकते हैं। पुराने रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर फोटो बूथ हैं, आप जाते वक्त या लौटते वक्त फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जो कि आपको इमिडिएटली प्रिंट करा के आपको फ़ोटो आपके मिल जाएंगे। दोस्तों पुराने रास्ते पे आपको टी सीरीज की शॉप एंड उसके जस्ट सामने ही लंगर भी दिखेगा, जहाँ पे भी आप जाके लंगर का स्वाद ले सकते हैं। ये बहुत ही फेमस लंगर है पुराने रास्ते का। यहाँ पे दोस्तों अब आपको अपना RFID कार्ड सबमिट करना है। जैसे ही आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि आपकी माता रानी की जो यात्रा थी वो समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको करना है अपना RFID कार्ड सबमिट। दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। पुराने मार्ग में आपको दिखेगा बाथिंग घाट, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो पानी का नज़ारा था वो बहुत ही देखने लायक था, बहुत सुंदर लगा। तो वहाँ पे जाके आप अगर पुराने रास्ते से आप चढ़ाई करना चाहते हैं तो जाते वक्त यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ से वापस आई थी, मतलब यात्रा करके इस रास्ते से हम लोग उतरे थे, बट ये दृश्य इतना सुंदर था कि मैं वहाँ पे जाके थोड़े से छींटे ही लगाए, थोड़ा मुँह हाथ ही धोया, बट बहुत अच्छा आनंद आया। तो आप भी यहाँ पे जाके पक्के से इस सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इस जगह पे आप लौटते वक्त अपनी चुन्नी जो आपने सर में बांधी है वो बांध के माता रानी को जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी करने को विनती कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। तो आज की जो हमारी यात्रा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। इस यात्रा का सुखद अनुभव शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। और जो सबसे स्पेशल चीज़ थी ना, वैसे मैं कई बार माता वैष्णो के दरबार पे आई हूँ, बट आज जो स्पेशल था वो था अटका आरती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये मौका मिले तो आप ज़रूर से ये अनुभव कीजिएगा। ये आरती में बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जैसा कि मैंने जो यात्रा प्रारंभ की थी वो नए मार्ग से की थी, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी यात्रा करें अपनी तो वो नए रास्ते से करें। दैट यू नो वो रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा है। बट अगर आप घोड़े या पालकी करना चाहते हैं तो आप पुराने रास्ते से ही जाइएगा, बिकॉज नए रास्ते में घोड़े पालकी पिट्ठू आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट ये रास्ता बहुत अच्छा है। तो जाते वक्त हम गए थे नए रास्ते से, जो कि है ताराकोट मार्ग, और आते वक्त हम आए हैं पुराने रास्ते से। एंड नए रास्ते की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सफाई होने के साथ साथ वहाँ पे चढ़ाई बहुत कम है दोस्तों। तो आप ये पक्के से कीजिएगा ट्राई कि जब भी आप आ रहे हैं तो नए रास्ते से आइएगा। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मैं देने वाली हूँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, तो यार आसम टिप्स। पैदल यात्री नए रास्ते का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में चढ़ाई कम होने के साथ साथ भीड़ भी कम है। कई लोगों के मन में भ्रम है कि ताराकोट मार्ग काफ़ी लंबा है, जबकि ये रास्ता पुराने रास्ते से मात्र 1 किलोमीटर ही ज़्यादा है। सो ताराकोट मार्ग से भवन तक की जो दूरी है वो है 13 किलोमीटर, और पुराने मार्ग बाणगंगा से भवन तक की दूरी है 12 किलोमीटर। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं हेलीकॉप्टर, डोर मैट्री, रूम्स की या फिर अटका आरती, तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के द्वारा 4 महीने पहले करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में, भीड़ को बेटर मैनेज और ट्रैक करने के लिए रिसेंटली श्राइन बोर्ड द्वारा RFID कार्ड इशू कराए जाते हैं। तो आप अपना RFID कार्ड पक्के से ले लीजिए, जो आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ताराकोट मार्ग पर। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है अटका आरती। तो माता वैष्णो देवी की दिव्य अटका आरती में सम्मिलित होने के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर आप ये आरती बुक करा सकते हैं, जिसका कि आपको पे करना होगा 2000 पर पर्सन, एंड दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। और 10 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। आरती में एट ए टाइम 150 लोगों को ही एंट्री दी जाती है। आरती का मॉर्निंग का रिपोर्टिंग टाइमिंग है 5:30 एंड इवनिंग रिपोर्टिंग टाइमिंग इज 6:00।
जम्मू कश्मीर में अदर इंडियन स्टेट के प्रीपेड मोबाइल नहीं चलते हैं। अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो इट विल वर्क, अदरवाइज आप कटरा से यात्री सिम भी परचेज कर सकते हैं। वैसे यहाँ जगह जगह पर एसटीडी बूथ मिल जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो यात्रा के दौरान आपको कई जगह पर सीढ़ियाँ भी मिलेगी, बट मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि इन सीढ़ियों का इस्तेमाल आप कम से कम कीजिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि आप थकेंगे ज़्यादा। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें आपके बॉडी में क्रैम्प भी आ सकते हैं। यात्रा के दौरान कम से कम सामान अपने साथ रखें, क्योंकि रास्ते में खाने पीने की सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, जो है कि भवन से भैरव मंदिर जाने के लिए अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8 से इवनिंग 6 o'clock तक, बट सर्दियों में ये 5 बजे ही चलती है और इसमें बुकिंग 1 घंटे पहले ही बंद हो जाती है। फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड मार्ग वॉच माई प्रीवियस व्लॉग, आई विल सेंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा जय माता दी।